हाँ तो गाइस आपने देखा होगा अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम रील पर कुछ इस तरह के ग्लू इफेक्ट मोटिवेशनल कोस्ट वाले जो वीडियो है ना काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ इस तरह के ही वीडियो का एडिटिंग बताने वाला हूँ। इस तरह का वीडियो बनाना काफी ज्यादा सिंपल और आसान है। तो चलिए अब आपको इस टाइप की वीडियो बनाना कैसे है और किस एप्लीकेशन से बनाना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अब देखो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपके पास में पिक्सल लैब एप्लीकेशन होना चाहिए, साथ में बैकग्राउंड वाले फोटो होना चाहिए। अब देखो जो बैकग्राउंड वाले फोटो है ना वो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लो। जब आप अपने पिक्सल ऐप को ओपन करोगे आपके सामने एक न्यू टेक्स्ट आता है तो आप उसको डिलीट कर देना। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना एक थ्री डॉट मिलेगा तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इमेज साइज पे जाइएगा। जब आप इमेज साइज पे जाओगे तो यहाँ पे देखिएगा गाइस जो पहले नंबर पे 1280 लिखा है ना, इस 1280 को कट करने के बाद आपको यहाँ पे 720 लिख के ओके करना है। जब आप यहाँ पे 720 लिख के ओके करोगे इसका साइज फिक्स हो जाता है। तभी आपको यहाँ पे प्लस का जो ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फॉर्म गैलरी पे जाइएगा। जब आप फॉर्म गैलरी पे जाओगे मैं आपको जो टेलीग्राम पे फोटोज दूंगा ना तो इस तरह के फोटोज दे दूंगा, आप इनको डाउनलोड कर यहाँ पे ऐड कीजिएगा। आप इसका साइज़ इस तरीके से एडजस्ट कर पाओगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। नीचे काफ़ी सारा ऑप्शन है तो आप इसको 9:16 में कीजिएगा यानी कि इंस्टाग्राम रील वाले साइज में। अब देखो यहाँ पे जो इमेज है ना आप इसको फुल स्क्रीन पे फिल कीजिएगा जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इस तरीके से यहाँ पे लगा दीजिएगा। अभी गाइस आपको नीचे देखना है यहाँ पे कलर फिल्टर मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप कलर फिल्टर पे जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा ओपेसिटी मिलता है तो आपको थर्ड वाला जो ओपेसिटी है ना उसको 66 करना है एंड सेकंड वाला ओपेसिटी 31 करना है यानी कि 31, तो उसके बाद आपको राइट करना है। अब देखो नीचे जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। कलर पर जाने के बाद आपको बैकग्राउंड में ब्लैक वाला कलर यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपको इमेज पे क्लिक कर ओपेसिटी पे जाना है। जब आप ओपेसिटी पे जाओगे तो यहाँ पे जो ओपेसिटी है ना उसको 55-56 मैक्सिमम इतना ही करना है, उसके बाद आप राइट कर देना। अब देखो आपको टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड में आपको जो प्लस का ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, एडिट पे जाना है। अभी देखो गाइस आपको यहाँ पे मोटिवेशनल वाला टेक्स्ट डालना है तो गूगल पे आपको मोटिवेशनल कोस्ट आप सर्च करोगे तो काफ़ी सारा मिल जाता है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर जो भी टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे लिख रहे हो ना उसका पहला वाला वर्ड आपको बड़ा लिखना है। एग्जाम्पल यहाँ पे राधे राधे लिख देता हूँ, मेरे मेहंदी का टाइपिंग नहीं होता है भाई तो मैं यहाँ पे बोलकर ही लिख देता हूँ। अब देखो आपने जो स्टार्टिंग का टेक्स्ट बड़ा लिखा होगा ना उसमें कलर लगाना है तो आपको कलर पे जाना है। अभी आपको प्लस पे जाके अगर आप कलर को एडजस्ट करना चाहते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो टेक्स्ट है ना उसमें सेपरॉन कलर ही आप लगाइएगा। कलर वगैरह को ऐड करने के बाद आपको फॉन्ट पे जाना है, उसके बाद आपको नॉर्मल फॉन्ट में देखना है, यहाँ पे ब्लॉगर सेंस बोल्ड वाला जो फॉन्ट है उसी को आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना टेक्स्ट को बीचों-बीच सेंटर में कीजिएगा, उसके बाद आपको इसमें कुछ शैडो वगैरह लगाना है तो आपको नीचे देखना है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब आप शैडो पे जाओगे तो शैडो को आप इनेबल कीजिएगा। एक चीज़ का आपको यहाँ पे खास करके ध्यान रखना है, जो आपके टेक्स्ट में कलर है ना वही आपको शैडो में लगाना है, बाकी ओपेसिटी को आप थोड़ा सा बढ़ा देना। तो यहाँ पे शैडो लग चुका है जैसे कि गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब देखो नीचे हमको जो इंपॉर्टेंट वाला टेक्स्ट है ना वो डालना है तो आपको अगेन एक बार फिर प्लस पे जाना है, प्लस पे जाके आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, एडिट पे जाना है। जब आप एडिट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल वाला टेक्स्ट लिखना है जो काफ़ी अच्छा लगे, तो आपको गूगल पे काफ़ी सारा मोटिवेशनल कोस्ट वाला टेक्स्ट मिल जाता है तो वहाँ से कॉपी कर मैंने पेस्ट किया है, आप भी डायरेक्टली पेस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं अलग अलग लाइन में क्रिएट करना चाहता हूँ तो नीचे वाली लाइन को यहाँ पे कट कर देता हूँ, अभी मैं सिर्फ एक ही लाइन को यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो देखो आपको सेम इसी तरीके से एडजस्ट करना है, बीचों-बीच सेंटर में टेक्स्ट को लगाना है, उसके बाद आपको फॉन्ट पे जाना है। अब देखो यहाँ पे जो नॉर्मल फॉन्ट है ना नॉर्मल फॉन्ट में ही आपको पहले नंबर पर फॉन्ट मिल जाता है तो जो पहले नंबर का फॉन्ट है ना वही वाला फॉन्ट आप ऐड कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे स्टोर्क मिलता है, स्टोर्क को इनेबल कीजिएगा। अगर आपके टेक्स्ट में वाइट कलर है तो आपको स्टोर्क में भी वाइट कलर को ही लगाना है। ओपेसिटी को पहले 0 पे करना है, उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक कर 1 पे करना है, तो ये वाला काम आपका हो जाता है। अब आपको यहाँ पे शैडो मैं आपको बाद में लगा के दिखाऊंगा, पहले तो मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अब मेरा जो भी मोटिवेशनल वाला जो शायरी यानी कि टेक्स्ट वगैरह है उसका जो भी सेकंड वाला लाइन है ना मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बीच अभी सेंटर में आपको लगाना है। अभी हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो तो मैंने शायरी वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, हमको एक नेम और क्रिएट कर लेना है, काफ़ी सिंपल और आसान तरीका है। तो आपको अगेन प्लस पे आके टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, एडिट पे जाना है। अब आप यहाँ पे जो भी नेम डालना चाहते हो, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टिप्स एडिटर लिख देता हूँ, आप यहाँ पे वीडियो में जो भी अपना नेम डालना चाहते हो वो वाला नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको फॉन्ट पे जाना है। अब देखो आपको माय पॉइंट में जाना है, मैं आपको एक फॉन्ट का लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से डाउनलोड कर आप पिक्सल लैब में ऐड कीजिएगा। जब आप उस वाले फॉन्ट को अपने टेक्स्ट में यूज करोगे ना तो जो आपका टेक्स्ट का स्टाइल है ना वो चेंज हो जाता है। अब देखो आपने यहाँ पे जो भी अपना नाम वगैरह यहाँ पे लिखा होगा उसको नीचे की साइड में आपको बीचों-बीच सेंटर में लगाना है जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। जब आप यहाँ पे अपना नाम डाल देते हो तो आपको प्लस पे जाके फॉर्म गैलरी पे जाना है एंड यहाँ पे जो मोरंगा
वाला PNG है, ये वाला PNG मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे ऐड कीजिएगा। अब देखो गाइस आपका जो मुरंगा वाला PNG है ना, जब आप उसको सिलेक्ट कर यहाँ पर ऐड करोगे तो आपको इसको टेक्स्ट में कैसे लगाना है आप यहाँ पर देख लो भाई, मैं कैसे लगा रहा हूँ ना, सेम टू सेम लगाना है। काफ़ी आसान तरीका है, मुरंगा वाले PNG को थोड़ा छोटा कीजिएगा और टेक्स्ट में जहाँ पर मैंने ऐड किया है ना सेम उस जगह पर आप ऐड कीजिएगा। अभी आपको अपने इमेज को सेव नहीं करना है, मैंने आपको बताया था शैडो लगाना है। तो देखो जो बाकी का टेक्स्ट रह चुका है उसमें हमको शैडो लगाना है। आपने जिस वाले टेक्स्ट में शैडो नहीं लगाया है उस टेक्स्ट पे क्लिक कर आपको शैडो पे जाना है, इनेबल करना है। जो भी आपके टेक्स्ट में कलर है भैया आपको शैडो में कलर रखना है, बाकी ओपेसिटी को आप थोड़ा सा बढ़ा देना, आप यहाँ पे समझ पा रहे हो। तो इसी तरीके से आपको सभी टेक्स्ट में यहाँ पे शैडो इनेबल करना है, एंड शैडो का जो ओपेसिटी होता है ना, यानी कि पीछे की साइड में जो ब्लर वगैरह हो जाता है, थोड़ा सा आपको ओपेसिटी को बढ़ा देना है ताकि इसमें ग्लो वाला इफेक्ट जो है ना अच्छे से वर्क करे। जब आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट को यहाँ पे कंप्लीट क्रिएट कर लेते हो तो आपका लास्ट काम रहता है ये वाला जो इमेज है ना, यानी कि कंप्लीट टेक्स्ट वाला इमेज है, इसको आप पिंक क्वालिटी में अल्ट्रा कर आप सेव टू गैलरी कर लेना। जब आप अपने इमेज को यहाँ से सेव कर लोगे तो अब आपको वीडियो बनाना है। वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान है, उसके लिए आपके पास में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है अलाइट मोशन। तो जैसे ही आप अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करोगे नीचे प्लस पे जाना है, आपको यहाँ पे प्लस मिलता है तो वहाँ पे क्लिक कर आपको इसको 9x16 में करना है, उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। जब आप इसको क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे तो आपको प्लस पे जाना है, उसके बाद आपको मीडिया पे जाना है। तब देखो आपने जो इमेज वगैरह क्रिएट किया था ना उस वाले इमेज को आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा। तब आपका सबसे पहला जो स्टेप आता है ना उसमें आप लोगों को लेयर का टाइमिंग एडजस्ट करना है, जैसे कि आप अपना वीडियो कितने सेकंड का बनाना चाहते हो। एग्जांपल मैं यहाँ पे 8 सेकंड का बनाना चाहता हूँ, मैंने लेयर का टाइमिंग 8 सेकंड कर लिया है। अब आपको इफेक्ट लगाना है तो आपको नीचे इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे जाना है। जैसे ही आप ऐड इफेक्ट पे जाते हो तो वैसे आपके सामने सर्च वाला ऑप्शन आता है। अब देखो आपको सर्च में जो इफेक्ट यहाँ पे सर्च करना है उसका नेम आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रैक्टिकल वर्प। तो जो प्रैक्टिकल वर्प वाला जो इफेक्ट है ना आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपको पहले नंबर पे ही इफेक्ट शो कर रहा है, तो आपको इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, सेटिंग पे जाना है। अभी देखो इफेक्ट का जो ओपेसिटी है ना काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको लेयर की स्टार्टिंग में यहाँ से एक की लगाना है, जब आप की लगाओगे तो आपको लेयर के एंड में जाना है। अब देखो यहाँ पे जो पोजीशन वाला पहला ओपेसिटी है, यानी कि पहला वाला ओपेसिटी है, इसका जो एक्स और वाई है ना, सबसे पहले आपको एक्स में यहाँ पे देखिएगा, एक्स वाली ओपेसिटी को 9999 करना है और वाई वाली ओपेसिटी को भी 9999 करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो, काफ़ी आसान तरीका है। एक्स और वाई वाली ओपेसिटी को पोजीशन में 9999 करना है और यहाँ पे जो सेकंड वाला ओपेसिटी मिलता है आपको एक्स और वाई में कुछ भी नहीं करना है, खाली छोड़ देना है ये वाला ओपेसिटी। नेक्स्ट आपको जो मैग्नीट्यूड मिलता है, मैग्नीट्यूड का जो ओपेसिटी है ना आपको 0.005 करना है। आप यहाँ पे सही से देख लो, अब देखो आपको मैग्नीट्यूड के जस्ट नीचे यहाँ पे डिटेल मिलेगा, तो डिटेल में जो ओपेसिटी है ना इसको 1.0 ही रहने देना है। डिटेल के जस्ट नीचे वाला जो ओपेसिटी है ना उसको 0.55 या फिर 56 कर देना। अब देखो यहाँ पे जो ऑफ टैप्स है ना उसका जो ओपेसिटी है 6 ही रहने देना है, बाकी आपका यहाँ पे वीडियो कंप्लीट बन जाता है। इस वाले इफेक्ट को लगाने के बाद आपका जो टेक्स्ट है ना उसमें थोड़ा ग्लिच वाला इफेक्ट लग जाता है, तो आप इस तरीके से लगा पाओगे। एंड आप अपने वीडियो को यहाँ पे सेव कर लेना है, यानी कि एक्सपोर्ट कर लेना। उसके बाद जब आप यहाँ पे अलाइट मोशन से अपने वीडियो को सेव कर लोगे, अब आपके पास में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है कैपकट। कैपकट के साथ में आपका VPN कैपकट से कनेक्ट होना चाहिए, पहले आप VPN कनेक्ट कर लेना। वैसे तो आप लोगों को ये वाला सारा प्रोसेस पता ही होगा कैपकट वाला, आपके पास कैपकट एप्लीकेशन है, VPN कनेक्ट है, तो आपको अपना कैपकट एप्लीकेशन ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। अभी देखो गाइस आपको यहाँ पे एक वीडियो को ऐड करना है जो आपने क्रिएट किया था, यानी कि आपने जो अलाइट मोशन से वीडियो को शेप किया था ना उस वाली वीडियो को आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा। उसके बाद आपको इफेक्ट लगाना है, तो आपको देखना है यहाँ पे ओवरले के पास इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद आपको वीडियो इफेक्ट पे जाना है। जब आप वीडियो इफेक्ट पे जाओगे, अगर आपका VPN कनेक्ट है ना तो यहाँ पे सारा इफेक्ट एक बार में ओपन हो जाता है, अगर VPN कनेक्ट नहीं है तो नो इंटरनेट प्रॉब्लम आएगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर की साइड जो ट्रेंडिंग प्रो वगैरह है ना वहाँ पर आपको एक लेंस मिलेगा, तो आपको लेंस पे जाना है। लेंस में आपको थोड़ा नीचे देखना है, यहाँ पे एडिज ग्लो मिलेगा, तो आपको एडिज ग्लो इफेक्ट को यहाँ पे लगाना है। जब आप एडिज ग्लो वाली इफेक्ट को यहाँ पे लगा लोगे तो आपको एडजस्ट पे जाना है। अब देखो गाइस यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एडजस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जो ओपेसिटी है ओपेसिटी को आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जैसे कि आप कितना ग्लो वगैरह यहाँ पे देना चाहते हो। तो वैसे तो आप ये सब अपने हिसाब से भी कर पाओगे, काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान है। अब देखो आपको ध्यान रखना है, जो आपने एडिज ग्लो वाले इफेक्ट लगाया होगा उसका जो लेयर है ना आपको फुल वीडियो पे ऐड कर देना है, जितना आपका वीडियो का लेयर है। तो बस आपको इतना सा प्रोसेस फॉलो करना है, आपका वीडियो बनकर रेडी हो जाता है। अब आप चाहो तो अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपलोड कर रहे हो वहाँ पर ट्रेंडिंग ऑडियो यूज कर ही आप अपलोड कीजिएगा। तो चलिए अब आप फिर जा ही रहे हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉइस आया है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। और अगर आपको अलाइट मोशन में XML इंपोर्ट करना नहीं आता है तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर वहीं पर मिलते हैं, बाय।